खबर उज्जैन से श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति दर्शन व्यवस्था के संबंध में चर्चा कर निर्णय लिया। सवारी के दौरान प्रारंभ और अंत में LED स्क्रीन के माध्यम से सवारी का सजीव प्रसारण किया जाएगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक शाम 4 बजे श्री महाकाल महालोक कंट्रोल रूम में नीरज कुमार सिंह कलेक्टर और अध्यक्ष श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के आधिपत्य और स्वामित्व की भूमि कुल रकबा 0.1851 हेक्टेयर पर रेलवे स्टेशन से महाकाल तक रोपवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्माण कार्य करने का अनुमोदन किया। बैठक में श्री महाकालेश्वर मंदिर के पीछे स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कराए जाने वाले फेज 1 और फेज 2 के कार्यों के अंतर्गत शिखर दर्शन प्रोजेक्ट और इमरजेंसी एंट्री एग्जिट के कार्य लगभग पूरे हो चुके। उपरोक्त निर्माण कार्यों के अंतर्गत उक्त स्थल पर पूर्व में स्थापित सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त, जिससे स्थल पर पानी का जमाव रहता है। श्रद्धालुओं को आवागमन में काफी कठिनाइयां होती हैं। श्रद्धालुओं के समक्ष मंदिर की प्रतिष्ठा का अल्पीकरण भी होकर मंदिर की छवि धूमिल होती है। आगामी श्रावण भादो मास 2024 में श्रद्धालुओं की अत्याधिक संख्या, उनके सरल सुलभ आवागमन और श्रद्धालुओं को मंदिर से बाहर की ओर प्रस्थान कराए जाने के लिए द्वार नंबर 10 से गणेश बड़ा मंदिर तथा मार्ग का निर्माण उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन के माध्यम से कराए जाने का अनुमोदन किया, जिसमें अनुमानित व्यय ₹50 लाख का होगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, महापौर उज्जैन, नगर पालिका निगम मुकेश टटवाल, प्रशासक और सचिव मृणाल मीना, महंत पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा विनीत गिरिजी महाराज, अशासकीय सदस्य पुजारी प्रदीप गुरु, राजेंद्र शर्मा, पुजारी राम शर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री अनुकूल जैन इत्यादि सदस्य उपस्थित रहे। की अधिक संख्या रहेगी इसको लेकर के सैटरडे संडे मंडे में जो ऑनलाइन बस पार्टी की बुकिंग होती है उसे बंद रखा जाएगा, बाकी समय चालू रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर सुलभ दर्शन सुनिश्चित करने के लिए जो सभा मंडप होता है उसमें पिछले साल जैसी व्यवस्था थी 2 लेयर की, उस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। उसके लिए पासेस जारी किए जाएंगे और पासेस के अनुसार जो उसमें उपस्थित हो सकेंगे। सवारी मार्ग पर सवारी जब चलती है तो फिर कई बार लोगों को भगवान के दर्शन करने में विलम्ब होता है, उन्हें समस्या आती है, तो इसके लिए जो है उसके पीछे एक गाड़ी में LED भी चलाई जाएगी, जिसमें कि लाइव प्रसारण पूरी सवारी का होगा और लोग सुलभ दर्शन कर सकेंगे। सर, इसमें कई बार समस्या ये आएगी, जैसे पालकी चलती है उसके बाद फिर हाथी जी आ जाते हैं, तो फिर हाथी के पीछे क्या वो LED चलेगी कि उसके? यस, जो ट्रेडिशनल व्यवस्था है उस ट्रेडिशनल व्यवस्था को कायम करते हुए जहां पर जो है पालकी का पूरा हिस्सा खत्म होता है या हाथी जहां तक चलते हैं उसके पश्चात फिर उसको रखा जाएगा। सर, क्या बसमारती व्यवस्था रहेगी? बसमारती में जैसे मैंने बताया कि जो है सैटरडे संडे मंडे को जो ऑनलाइन बुकिंग्स हैं वो स्थगित रहेंगी और शेष व्यवस्था जो प्रति वर्षानुसार होती है वो रहेगी। विशेष तौर पर पट जल्दी खुलते हैं तो फिर बसमारती जल्दी स्टार्ट होगी, बस उतना ही चेंज होगा। बैरिकेड बदलाव किया गया, ये आज प्रबंध समिति की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें महाकाल महाराज की सवारी साथ ही नाकेल से लेकर कई निर्णय लिए हैं, जिसमें प्रखर प्रखर प्रवेश की व्यवस्था जिससे किसी प्रकार की मुहिम न हो, पूरे रास्ते पर बैरिकेडिंग किस तरह से की जाएगी जिससे सुगम दर्शन हो, साथ ही LED TV के माध्यम से लोगों को आसानी से दर्शन कराया जा सके इसकी व्यवस्था पर चर्चा की गई, उसी को फाइनलाइज किया गया। पूरी सवारी मार्ग को कई सेक्टरों में बांटा जा रहा है, जिसके करीब 2500 ज्यादा पुलिसकर्मी। पिछली घटनाओं को देखते हुए हाई राइज बिल्डिंग, ड्रोन, CCTV को कैमरों बाइक संख्या में हम लोगों ने वृद्धि की है, साथ ही जो पूरे इलाके हैं इन पर लगातार BDDS की टीम वो कल रात से ही चेकिंग जारी रखी है और ये पूरी प्रक्रिया अभी 11 दिन तक चालू रहेगी। हमारा पूरा प्रयास है कि एकदम सुगम, सहज और आसानी से सभी के दर्शन हो और सवारी में किसी प्रकार का कोई व्यवस्था न हो। सर, सवारी में कई बार देखने को आता है कुछ लोग अभद्रता करते हैं, पुलिस से भी करती है और पुलिस भी करती है, तो उसके लिए क्या समझाइश दी जाएगी? हम लोगों ने अपने जो सभी पुलिसकर्मी हैं उनका भी एक ट्रेनिंग का रखा था, पहला चरण उसमें हो गया जिसमें सीनियर ऑफिसर्स को कुछ वीडियोस दिखाए गए थे, अभी जो बल बाहर से हम लोगों को पुलिस मुख्यालय के माध्यम से प्राप्त होगा उनके साथ भी ये ट्रेनिंग का मॉड्यूल पूरा रन किया जाएगा। साथ में इसमें कई NGOs, वॉलंटियरिंग सर्विसेज, पुजारी परिवार, ये सब भी इसमें हमारे सहायक होते हैं, उन सभी को भी एक बार इसके लिए सेंसिटाइज किया जाएगा। साथ ही हम लोगों ने कल अलग अलग सोशल मीडिया, रेडियो के माध्यम से एक अपील जारी की है कि जनता भी जो निर्धारित रूट है, क्योंकि इस बार हम लोगों ने प्रीपेड भी चालू कर दिया, जो निर्धारित रूट है, जो निर्धारित व्यवस्थाएं उनका पालन करें। व्यवस्थाएं इसी तरह से प्लान की गई है कि आपका दर्शन सुगम हो और किसी प्रकार का व्यवधान आपको ना हो। बाहर से आने वाले व्यक्तियों को रास्ते का उतना नॉलेज नहीं होता है और उस वजह से वो कई बार जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो जो रूट तय किए गए हैं, जो रिक्शा का रेट तय किया गया उसी के अनुरूप आप लोग यहाँ पर ट्रैवल करें, यही हमारा सबसे अनुरोध है। खबर भारतवर्ष के लिए उज्जैन से, मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट।
अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।